गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 9 दादाजी की बगिया पाठ पढ़ी। उसमें हम लोग दादाजी और रवि के संवाद को पढ़े। रवि सुबह जैसे ही आंख मलता हुआ बगीचे में गया, अपने दादाजी को वहां निराई करते हुए पाया। निराई यानी कि मुख्य पेड़ पौधों के पास जो अनावश्यक घास पात उग जाते हैं उन जंगली पौधों को हटाना, उखाड़कर फेंक देना, जिससे काम वाले पौधों को अधिक खाद पानी मिलती है। दादाजी रवि को समझाते हैं कि पेड़ पौधों के लिए निराई क्यों आवश्यक है। तब रवि अगला प्रश्न अपने दादाजी से पूछता है कि संसार में विभिन्न प्रकार के फूल पौधे हैं, लेकिन उनका रंग अलग अलग है, लेकिन सभी पत्तियों का रंग एक ही क्यों होता है? अर्थात लाल, पीला, गुलाबी सभी रंग के फूल पौधे मिलते हैं, लेकिन पत्तियों का रंग सिर्फ हरा ही क्यों होता है? अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। दादाजी: हाँ बेटा, पेड़ पौधे में भी जीवन होता है और प्रत्येक जीवधारी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो उनके लिए भोजन बनाने में सहायता करता है। इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा दिखाई देता है। रवि: लेकिन दादाजी, यह क्लोरोफिल भोजन बनाने में पेड़ पौधों की किस प्रकार से सहायता करता है? रवि को यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। वह दादाजी से पूछता है कि दादाजी, पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तब रवि के दादाजी उसको समझाते हैं कि संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सभी को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वह उनका जो हरा रंग होता है वह उनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है। तो पेड़ पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो उनके लिए भोजन बनाने में सहायता करता है। इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी कि पत्तियों का हरा रंग उसमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण होता है जो कि उनको भोजन बनाने में, पेड़ पौधों को भोजन बनाने में सहायता करती है। तब रवि अपने दादाजी से फिर पूछता है कि यह क्लोरोफिल भोजन बनाने में पेड़ पौधों की किस प्रकार से सहायता करता है। अब रवि का जिज्ञासु मन और जानना चाहता है कि आखिर क्लोरोफिल पेड़ पौधों को भोजन बनाने में किस प्रकार सहायता करता है। दादाजी: इसकी सहायता से पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्टार्च का निर्माण करते हैं, यही इनका भोजन है। इसके अतिरिक्त भोजन बनाते समय ये वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। रवि: दादाजी, यही ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के काम आती है? अगर ऑक्सीजन न हो तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। दादाजी: हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसलिए तो शहर में स्थित बाग बगीचों और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जिस प्रकार फेफड़ा शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, उसी प्रकार से शहर के बीच में स्थित बाग बगीचे और पार्क शहर वासियों के लिए शुद्ध वायु का प्रबंध करते हैं। अब दादाजी रवि को फिर समझाते हैं, इनकी सहायता से पेड़ पौधे सूरज के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से स्टार्च का निर्माण करते हैं, यानी कि सूरज के प्रकाश से पेड़ पौधे ऊर्जा
ग्रहण करते हैं और उस ऊर्जा से वो पत्तियों में जो उपस्थित क्लोरोफिल है उनकी सहायता से भी अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि सूर्य के प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वे पत्तियां जो है स्टार्च का निर्माण करती है और यही उनका भोजन होता है और यही पत्तियों का भोजन होता है। इसके अतिरिक्त भोजन बनाते समय ये वातावरण में ऑक्सीजन मुक्त करती है। जब पत्तियां प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया करती हैं तो उस समय वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है, और हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, यानी कि हमें जीवन देने के लिए वे हमारे द्वारा निकाले गए कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कर हमें वापस प्रदान करते हैं। रवि, दादाजी यही ऑक्सीजन तो हमारे सांस लेने के काम आती है, अगर ऑक्सीजन न हो तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाए। अभी दादाजी से कहता है कि ये ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के काम आती है वह ऑक्सीजन हमें इन्हीं पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। अब रवि को यह समझ में आ गया था कि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे शुद्ध कर हमें फिर प्रदान करते हैं और यही हमारा प्राणवायु ऑक्सीजन है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसलिए तो शहर में स्थित बाग बगीचे और पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जिस प्रकार फेफड़ा शहर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, उसी प्रकार से शहर के बीच में स्थित बाग बगीचे और पार्कों को शहरवासियों के लिए पार्क शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब दादाजी रवि को समझाते हैं कि बड़े बड़े शहरों में हमें पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं, तो वहाँ बीच बीच में क्या किया जाता है, छोटा छोटा पार्क बना दिया जाता है जिसमें बच्चे खेलते भी हैं और खेलने से ज़्यादा ये हमारे किस काम आते हैं, तो हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। जैसे हमारा फेफड़ा शुद्ध वायु ग्रहण करता है और हमारे द्वारा जो विषाक्त वायु होती है उसे बाहर निकालता है, तो वैसे ही पार्क जो है वो फेफड़ों का काम करता है और हमारे द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को शुद्ध करता है। इसीलिए शहर में स्थित छोटे बड़े पार्कों को शहर का फेफड़ा कहा जाता है। जिस प्रकार फेफड़ा शरीर को ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, ठीक उसी प्रकार से शहर में स्थित छोटे छोटे बाग बगीचे शहर वासियों के लिए शुद्ध वायु का प्रबंध करते हैं। दादाजी अब रवि को यही समझाते हैं कि शहर में जो छोटे छोटे पार्क बने रहते हैं वे बहुत काम के चीज होते हैं, ये हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं, इसीलिए इन छोटे छोटे पार्कों को क्या कहा जाता है, शहर का फेफड़ा कहा जाता है। अभी तक जितना संवाद हम लोग पढ़े उसमें आए हुए कठिन शब्दों को लिखेंगे। पहला है क्लोरोफिल, स्टार्च, अतिरिक्त, ऑक्सीजन, वातावरण, मुक्त, मुश्किल, उपलब्ध और पार्क। इन शब्दों को तीन तीन बार लिखेंगे। अब शब्द शब्दार्थ है जीवधारी यानी कि प्राणी, मुक्त अर्थ होता है छोड़ना, उपलब्ध मिला हुआ या प्राप्त। इसके आधार पर कुछ प्रश्न हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन अपने पत्तियों में पाए जाने वाले क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्टार्च का निर्माण कर भोजन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन ना हो तो क्या होगा? उत्तर होगा, ऑक्सीजन ना हो तो हमारा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।